इंडिया पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवक की बम्पर भर्ती आ चुकी है और इसमें सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है कि इसके लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट भर्ती यानी कि सीधा सिलेक्शन होगा। चलिए जानते हैं अब इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल में एकदम सरल भाषा में। GDS यानी कि ग्राम डाक सेवक, इसकी निकाली गई है 38,926 पोस्ट जो कि बहुत ही बड़ी संख्या है। इस फॉर्म अप्लाई होने 2 मई से शुरू हो चुके हैं एंड फॉर्म फिल करने की आखिरी तारीख है 5 जून। तो आप लास्ट डेट का इंतजार ना करते हुए जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म फिल कर दें। चलिए जानते हैं अब इसके लिए मांगी गई क्वालिफिकेशन के बारे में। इस वैकेंसी के फॉर्म को फिल करने के लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10th पास, और हाँ 10th में आपके पास में मैथ्स और इंग्लिश जरूर होनी चाहिए। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आप जिस भी स्टेट से यह फॉर्म फिल करेंगे आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए एंड साथ ही आपके पास में साइकिलिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। इसकी मेरिट लिस्ट 10th बेस पर बनेगी एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें कोई एग्जाम नहीं है, यह डायरेक्ट भर्ती है। 15 नवंबर 2022 तक इसकी सिलेक्शन प्रोसेस एकदम कंप्लीट हो जाएगी। चलिए जानते हैं अब इसमें क्या काम करना होगा। सबसे पहले जानते हैं BPM के काम के बारे में। BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसके काम होते हैं ऑनलाइन व ऑफलाइन लेन देन का काम एंड डाक उत्पादों और सेवाओं का वितरण। चलिए अब जानते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के काम के बारे में, जो कि होते हैं टिकट व स्टेशनरी की बिक्री, डाक की डिलीवरी एंड सरकारी सेवाओं का घर घर प्रचार। सबसे आखिर में हम जानेंगे डाक सेवक के काम के बारे में। तो डाक सेवक के काम होते हैं डाक की डिलीवरी, डाक की बिक्री और रेलवे मेन सर्विस ऑफिस में छटाई का काम, जैसे कि लेटर्स वगैरह रखने। ऐसी और भी अधिक वैकेंसीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए धीणा क्लासेस के साथ।